तो शिवपाल यादव का बड़ा बयान, 2024 में यूपी में रोकेंगे भाजपा को। बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। तो आपको बता दें, शिवपाल सिंह यादव ने कहा जिस प्रदेश में जो मजबूत है वह भाजपा को मजबूती से रोकेगा और अन्य सहयोगी दल उसकी मदद करेंगे। इसका खुलासा सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने अयोध्या में किया और दावा किया है कि सपा संगठन को मजबूत कर 2024 में भाजपा को रोकेगी। जब वह यूपी में भाजपा हारेगी तो सरकार बनाने लायक नहीं रहेगी और फिर मिलकर सब सरकार बनाएंगे। तो इस दौरान शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर बड़बोला नेता बताया और ब्रजेश पाठक को छापामार नेता बताते हुए जमकर हमला बोला है। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो आज भाजपा कर रही है वही कांग्रेस पहले कर चुकी है। वहीं उन्होंने सपा से अलग होने पर बनाई अपनी पार्टी के लोगों को समायोजित करने और उनको और जिम्मेदारी देने की बात कही। शिवपाल सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल में हुए अधिवेशन के दौरान हम लोगों ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को इस बार हराएंगे। जब भाजपा यूपी में हार जाएगी तो कहीं भी सरकार बनाने लायक नहीं रहेगी और हम सब मिलकर सरकार बना लेंगे। तो शिवपाल सिंह यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद यादव को बड़बोला नेता बताया है। तो आपको बता दें, जेपीसी बनाने को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जब सभी पार्टी के लोग कमेटी में रहेंगे तो भाजपा क्यों डर रही है। मौजूद सरकार को आर्थिक मोर्चे पर फेर बताते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि लगातार देश पर कर्जा बढ़ रहा है और इस समय 610 अरब करोड़ का कर्जा है जिसको अदा करने में जीडीपी का 5% ब्याज में चला जाता है। ऐसे में विकास कैसे होगा। तो भाजपा संविधान पर भी हमला करना चाहती है और देश को बांटने का काम कर रही है। एक सवाल के जवाब में शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सपा से अलग होने के बाद उन्होंने जो पार्टी बनाई थी उनके कार्यकर्ताओं को भी समाजवादी पार्टी में समायोजित करेंगे और उनको जिम्मेदारी देंगे और उनके साथ मिलकर काम करेंगे। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा शिवपाल सिंह यादव ने। देखिए, जीव जंतुओं को कर रहे हैं, जीव जंतुओं को जिसने देखिए आरएफ ने उसे पाला, आरएफ को कितना मानता था, वो आरएफ के साथ चलता था, उसकी जान बचाई, इलाज कराया है, तो वो तो देखिए जीव जंतु था। अब उसको भी अलग उसी तरीके से तो पूरे देश में अलगाव पैदा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के। देखा, हर वर्ग को बांटना चाहते हैं, हर वर्ग को बांटना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। रणनीति बनाई गई है, क्या है उस रणनीति में खास? देखिए, हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और मजबूत करके 2024 में देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। देखिए, जीव जंतुओं को कर रहे हैं, जीव जंतुओं को जिसने देखिए आरएफ ने उसे पाला, आरएफ को कितना मानता था, वो आरएफ के साथ चलता था, उसकी जान बचाई, इलाज कराया है, तो वो तो देखिए जीव जंतु था। अब उसको भी अलग उसी तरीके से तो पूरे देश में अलगाव पैदा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी। देखा, हर वर्ग को बांटना चाहते हैं, हर वर्ग को बांटना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। रणनीति बनाई गई है, क्या है उस रणनीति में खास? देखिए, हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और मजबूत करके 2024 में देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे।